हेलो स्टूडेंट्स मैं दयाल चौधरी टीम सीएलसी आपका सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आज अपन बात करने वाले हैं यूनिट थर्ड में केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट सेकंड की जिसमें एमओटी और अदर जो भी रिमेन क्वेश्चन रह गए हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए उनकी अपन यहाँ बात करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जैसे मैं बात करूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरा मैग्नेटिक तो यहाँ पे देखो ये सारे के सारे डाई एटोमिक मोलिक्यूल है और डाई एटोमिक मोलिक्यूल के लिए अगर अपन बात करें तो एमओ टी के द्वारा डिसाइड होगा कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है फोर्टीन तो इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बने एमओ टी के सिगमा वन एस टू सिग्मा वन एस स्टार टू सिग्मा टू एस टू सिगमा टू एस स्टार टू एस फिक्सिंग यहाँ हो जाएगी तो यहाँ पर पहले आएगा पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई टू टू और सिग्मा टू पी जेड टू

पाई पी वाई तू 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 फिर पाई पी पाई पी वाई यहां पर वन और इसमें टू आ गए जैसे हो गए इलेक्ट्रॉन तो अनपेड इलेक्ट्रॉन वन है तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें विच मॉलिक्यूलर है और है O2 टू प्लस हैज पैरामैग्नेटिक एरेक्ट्रिसिटी इन है दी पर्जेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको बताना अनपेड O2 प्लस में कहाँ है तो O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 15 इलेक्ट्रॉन है तो देख लेते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s star 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s star 2 सिग्मा 2p z2 पाई 2px पाई 2py 22 फिर पाई टू पी एक्स स्टार पाई टू पी वाई स्टार ये रहा या तो एक्स में मान लो या वाई में पाई एंटी बॉन्डिंग है तो ये रहा इसके अंदर आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है नेक्स्ट इफ फ्रॉम एन टू एंड ओ टू एन टू माइनस एंड ओ टू माइनस आर फोन रेस्पेक्टिवलीच ऑफ देंट इज रॉन्ग है ये कह रहा है एन टू से तो जा रहा है एन टू माइनस तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखो फोर्टीन इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड ऑर्डर थ्री आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर है टू पॉइंट फाइव ओ टू से जा रहे हैं ओ टू माइनस में इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो टू था टू से ये हो जाएगा वन पॉइंट फाइव एम ओ टी से सोल्व करके देख लेना तो पहला कह रहा है एन एन बॉन्ड बिकम्स वीक इन एन टू माइनस क्लियर रॉन्ग स्टेटमेंट यहां ढूंढना है तो देखो बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ी है तो बॉन्ड वीक हुआ है मतलब पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है फिर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज डिक्रीज इन बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर हो रहा है है ये बात भी सही स्टेबिलिटी डिक्रीज इन बिल्कुल स्टेबिलिटी डाउन होगी बॉन्ड ऑर्डर कम तो स्टेबिलिटी भी कम तो ये भी करेक्ट है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज इन ओटू माइनस तो देखो ओटू में अनपेड इलेक्ट्रॉन दो है एमोटी से चेक कर लेना आप और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है तो पैरामैग्नेटिक नेचर इंक्रीज नहीं हुई है पैरामैग्नेटिक नेचर डिक्रीज हुई है क्लियर अन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब है पैरामैग्नेटिज्म का कम होना नेक्स्ट क्वेश्चन द बॉन्ड ऑर्डर इन एनो इज एनो के अंदर अपने को बॉन्ड ऑर्डर देखना है तो एनो में कितना है फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है फोर्टीन में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है थ्री 15 में आ जाएगा 2.5 एमओटी से सॉल्व करके देखना नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं जी करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन दी फॉलोइंग स्पीशीज आपको पता है ओ2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है दो अब जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा बॉन्ड ऑर्डर डाउन हो जाएगा 1.5 और ओ2 2+ है जब एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन हटता है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है कितना एक एंटी बॉन्डिंग से हटा बॉन्ड ऑर्डर से बढ़ेगा यहाँ दो इलेक्ट्रॉन हैं एंटी बॉन्डिंग से तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा थ्री तो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से आपको बताना है बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर ऑर्डर तो तो सबसे ज्यादा तो इसका हो गया फिर इसका हो गया ये तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो गया अच्छा ओटू प्लस दिया है मैंने ओटू का निकाला था भाई ओटू प्लस की मैं बात करूंगा तो टू पॉइंट फाइव होगा खैर आंसर तो आपका यही आ जाएगा फर्स्ट वाला करेक्ट है करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ देखना था नेक्स्ट विच वन ऑफ दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीसीज है पूछा है आप बॉन्ड ऑर्डर एमओटी के अनुसार ही चेक करना है क्लियर जैसे ऑटू है ऑटू में 16 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 ये आ गया 15 अब एक निकल गया तो 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 3 और आपको सेम बॉन्ड ऑर्डर वाली देखनी है तो ये तो गया अब देखो इसमें फोर्टीन इलेक्ट्रॉन है इसमें भी फोर्टीन इलेक्ट्रॉन है तो ये सेम बॉन्डर है याद रखना जिन स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनकी पैरामैग्नेटिक नेचर भी सेम होती है और उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा फिर से बॉन्ड ऑर्डर पे आ गया क्वेश्चन तो एक काम करता हूं मैं पहले आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखवा देता हूं ट्रिक बता देता हूं आपको ठीक है याद रखना ये तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टी एक बार पूरे नहीं आएंगे पूरे इलेक्ट्रॉन आ जाएं, थोड़ा स्मॉल लिख देता हूँ इन लेटर्स को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन और ट्वेंटी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फोर्टीन इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर होता है थ्री फिर, फिर ये आएगा टू पॉइंट फाइव फिर ये टू वन पॉइंट फाइव वन जीरो पॉइंट फाइव और जीरो इधर आ जाओ ये आ जाएगा आपका कितना टू पॉइंट फाइव टू फिर आपका आ जाएगा वन पॉइंट फाइव वन फिर जीरो पॉइंट फाइव जीरो फिर आ जाएगा वापस से आपका जीरो पॉइंट फाइव वन जीरो पॉइंट फाइव जीरो जीरो पॉइंट फाइव वन ये जीरो पॉइंट फाइव यह बॉन्ड ऑर्डर ऐसा चलेगा क्लियर अब देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है कार्बन के तो है सिक्स इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के सेवन कितने हो गए थर्टीन एक निकाल दिया कितने हो गए ट्वेल्व ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर आएगा टू इसका बॉन्ड ऑर्डर है टू साइनाइड फोर्टीन इलेक्ट्रॉन हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया थ्री एन इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए फिफ्टीन तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा टू पॉइंट और सी एन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 13, 13 पे बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपको पूछा है तो साइनाइड का हो गया इसका ले लो पहले तो एक ले लिया ये चीज आपका हर जगह लग जाएगा सिर्फ किसको छोड़ के सीओ से जब सीओ प्लस में जाते हैं ना तो ये देखो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर थ्री है और उस हिसाब से यहां पर थर्टीन हो गए बॉन्ड ऑर्डर टू पॉइंट फाइव होना चाहिए लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर थ्री टू थ्री पॉइंट फाइव के बीच आता है एग्जैक्टली exactly नहीं कह सकते थ्री पॉइंट फाइव आएगा इसके बीच में आएगा ये क्लियर ये थोड़ा एक्सेप्शन है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिग्मा टू एस स्टार बॉन्डिंग से हटता है जिस वजह से बॉन्ड ऑर्डर कम होने की बजाय बढ़ जाता है ये एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है हालांकि ये भी एक्सेप्शन नहीं है ऑर्बाइटल डायग्राम से इसको समझते हैं पर आप इसको यह थोड़ा याद रख लीजिएगा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग दोलिकुलर स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बाइटल थ्योरी तो देखो सी टू कितने इलेक्ट्रॉन है ट्वेल्व है तो सिग्मा वन एस टू सिग्मा वन एस स्टार टू सिग्मा टू एस टू सिग्मा टू एसारू पी एक्स ट्वेल्व ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन आगे तो देखो एंटी बॉन्डिंग से ये गया इससे ये गया अब बॉन्ड ऑर्डर कितना आया वही पूरा बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देंगे टू टू फोर टू सिक्स और टू एट

आइडेंटिफाई ए मोलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता आपका helium, कितने इलेक्ट्रॉन है फोर और फोर इलेक्ट्रॉन पर आपको अभी बताया था उस टेबल में चेक करो आप तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है जीरो तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी विच अमंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी टू मॉलिक्यूल एज फोर इलेक्ट्रॉन इन टू डी जनरेटेड हाँ बिल्कुल ये अभी अपन ने देखा था यह सही है जबकि आपको तो इनकरेक्ट बताना है H2 टू प्लस आयन हैज वन इलेक्ट्रॉन एस के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं H2 टू एक निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन बचा है O2 टू प्लस आयन इज डाई O2 प्लस के पास थोड़ी देर पहले कॉन्फ़िगरेशन फिल किया था फिर से बता देता हूं सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 15 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s 2 सिग्मा 2pz2 पाई टू पी पाई टू पी वाई। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया फोर्टीन और ये आ गया पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई एंटी बॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन ये आया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया एक तो ये डाई मैग्नेटिक नहीं ये पैरा मैग्नेटिक है तो ये वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया और जो टेबल बनवाई थी उससे बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लेना आप इसका टू आएगा इसका वन पॉइंट फाइव आएगा तो इसका आपका 1.5 आएगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर वन आएगा तो सारा सही है ये तो ये भी करेक्ट हो गया तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा रहा थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आपका ये रहा बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्री तीन हाइड्रोजन दे रहा है क्लियर तो कितने हो गए सिक्स अब आप कहोगे ये डाइमर है सर कोई दिक्कत नहीं डायमर हो चाहे पॉलीमर हो अगर वो ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड से बन रहा है तो ऑक्टेट रूल ऑलवेज फेल और याद रखना हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप डायमर और पॉलीमर बनाते, बनाते हैं थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट मोलिक्यूल माने जाएंगे ये देखो जैसे ये आपका ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड है डायमर में ये। याद रखना टर्मिनल ये हाइड्रोजन एक ही प्लेन में होते हैं रिप्लेसेबल होते हैं ये अबो और ये अबोधी प्लेन प्लेन और बिलोधी होता है फिर भी अगर पूछा जाए तो ये भी कह सकते हैं ये एक ही प्लेन में है देखो सर मेंाइड्रोजन और बोरोन ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बोरोन ये एक ही प्लेन में हो गए अब मैं प्लेन यू मानू तो तो ये बोरोन ब्रिज वाला ये बोरोन और ये ब्रिज वाला हाइड्रोजन ये एक ही प्लेन में हो जाएंगे पर ये और ये आपस में प्लेन में नहीं होते एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो ये रहा ब्रिज हाइड्रोजन ट्राइ सेंट्रिक बॉन्ड माना जाता है थ्री सेंटर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है जबकि यहां पे, पे टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन है टर्मिनल वाले दो तो सेंटरों गे दो इलेक्ट्रॉन इसलिए टर्मिनल वाले को तो बोला जाएगा टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रिज बॉन्ड में एक दो तीन तीन तो एटम हो गए सेंटर इलेक्ट्रॉन कित, कितने है? दो तो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन ट्राई सेंट्रिक अब देखो टू टू फोर फाइव सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स आए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट हाइवर डाइजेशन हालांकि इसका एसपी हो चुका है इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट यही माना जाएगा नेक्स्ट बात करें। याद रखना, आयनिक कंपाउंड हाइड्रेशन प्रोसेस, तो वो तो सोलिबल होंगे एंड कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस तो जो जितना ज्यादा आयनिक होगा उसकी सोलिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी तो आपको पता है एट इलेक्ट्रॉन की बजायन इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन पावर ज्यादा होता है तो इनमें ज्यादा कोवेलेंट होंगे तो देखो सोडियम है इसके पास तो एट इलेक्ट्रॉन है क्लियर तो एट इलेक्ट्रॉन है जबकि इसके पास कितने एटीन इलेक्ट्रॉन है इसके पास कितने सेवनटीन तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन पावर इन दोनों का है कंपेयर टू इसके तो ये सबसे ज्यादा आयनिक है तो सोलिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब कॉपर टू प्लस और जिंक टू प्लस की मैं बात करू तो पोलराइजेशन पावर है आपकी कॉपर टू प्लस की ज्यादा होती है तो ये कोवेलेंट हो जाएगा कोवेलेंट होते ही सोलिबिलिटी कम हो जाएगी तो ये तो गया और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट विच वन ऑफ प्लेनर ट्राई ट्राइंगुलर तो आपका ये आ गया एस पी थ्री एसपी टू आइवेडाइजेशन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये कोऑर्डिनेट और ये ओ माइनस ट्राइगोनल प्लेनर यहां पे तो बेंट आ जाएगा यहां पे लीनियर आ जाएगा और यहां पे देखा जाए तो ये लो ये भी आपका लीनियर बन जाएगा क्यों ये एसपी एसपी SP से डायरेक्ट जुड़ा आइटम लीनियर ही माना जाएगा तो ये आएगा कौन सा सेकेंड नंबर 54 की बात करते हैं। the CH bond distance is the longest. CH bond सबसे बड़ा है? है। तो यहां पर तो पर देखो है। से इसकी ई e एन ज्यादा आ गई और पास लेगा एस पी टू है यही सीन यहाँ अब इन दोनों में एस पी थ्री है लेकिन याद रखें इसमें एस पी थ्री के साथ जुड़ा हुआ एक एटम ऐसा है जो पी कैरेक्टर भी रखता है और पी करेक्टर रखने की वजह से वो क्या करेगा यहां कार्बन की ए, ए, यहां पर कार्बन की बढ़ेगी जिससे एस करेक्टर बढ़ेंगे एस बढ़ेंगे तो ये खींच के हाइड्रोजन को पास ले आएगा जबकि यहां पर ऐसा कोई सीन नहीं है जुड़ा हुआ टर्मिनल एस करेक्टर है तो कौन सा आंसर चला जाएगा थर्ड कंसिडर कंपाउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड लेटवीन सी टू सी थ्री विल बी तो देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा एस पी टू एडवर्टाइजेशन एस पी टू इसका एस पी टू और इसका एस पी टू सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है डबल की 3, के नियर बाई होती है ठीक है तो यहां पर क्या होगा रेजोनेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड के करेक्टर आ जाएंगे तो बॉन्ड डबल के नियर बाई होगी हालांकि ये डेटा आया हुआ क्वेश्चन है डेटा ये नियर बाई नहीं दे रखे क्योंकि 1.34 से भी ज्यादा आएगी ये बॉन्ड लेंथ लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं सिंगल बॉन्ड पूरा माना नहीं जाएगा तो ये तो हो ही नहीं सकता अब इन तीनों में से बड़ा डेटा आपके पास यही था वरना इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो वन या वन के फोर अप्रोक्स आती है खैर इनमें से अपने को जब अब चूज ही करना है तो अपने कौन सा करेंगे सेकेंड डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच का करेक्टर माने जाएंगे तो बीच के बॉन्ड लेंथ आएगी नेक्स्ट कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज इन दी ऑर्डर नीचे जाने पर मेटेलिक मेटल्स uh, बढ़ती हैं बात आ गई मेटेलिक करेक्टर बढ़ेंगे मेटेलिक करेक्टर बढ़ने का मतलब आयनिक करेक्टर बढ़ेंगे और कोवेलेंट करेक्टर कम होते जाएंगे तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट फॉसफॉर्स फिर उससे कम आर्सेनिक फिर उस एंटीमनी और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर विल बी शो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर कहां मिलेंगे तो यह प्लस टू में है ये प्लस टू में है, ये प्लस वन में है, और ये प्लस थ्री में है प्लस थ्री में होने से पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा साइज भी इनसे छोटा है तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा इस वजह से ज्यादा। रूल से कोवेलेंट ज्यादा रूल कर लेना है ऑफ स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इन करेक्ट तो ओ थ्री मोलिक्यूल बिल्कुल बेंट होता है एस पी टू आई होता है एक लोन पेयर है ओ टू एन माइनस ओ एन एफ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद तो देख लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है एट नाइट्रोजन के पास कितना है सेवन फ्लोरीन के पास कितना है नाइन ऑक्सीजन के पास एट दूसरे ऑक्सीजन के पास एट और नाइट्रोजन के पास सेवन और ए गेन कर लिया तो बात तो वही आ गई ना ये एट और वन नाइन हो जाएंगे बराबर है तो आईसो इलेक्ट्रॉन है ओ एप टू इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरिन ये बात गलत हो गई क्योंकि फ्लोरीन के ऑक्साइड नहीं होते फ्लोराइड होती है फ्लोरीन की ई ज्यादा है इस वजह से ऑक्सीजन के साथ जब भी आएगा तो वो फ्लोराइड होंगे नहीं कि ऑक्साइड तो आपका थर्ड वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपको इनकरेक्ट ही पूछा गया था नेक्स्ट अपन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द दॉन्ड डिसोशिएशन एनथेलपी ऑफ हेलोजन मोलिक्यूल्स तो इसी की नहीं मैं सबके बता देता हूं आपको 15 ग्रुप 16 ग्रुप और 17 की मैं बात कर लेता हूं यहां <coughs> नाइट्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं आर्सेनिक आर्सेनिक एंटीमनी एंटीमनी वैसे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चलती है साइज ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर सल्फर सिलेनियम सिलेनियम टेलोरियम टेलोरियम यहां पे फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन और आयोडीन आयोडीन यहां पे देखो हालांकि सीक्वेंस तो यह आना चाहिए और आता भी है लेकिन ये बहुत स्मॉल साइज होने से और लोन पेयर काफी ज्यादा इफेक्टिव होने की वजह से एक बॉन्डी बनाए तो पांच बचे भी भी। पास सिक्स बच्चे भी तीन लोन पेयर तो ये पेयर लोन पेयर रिपल्सन काफी ज्यादा हो जाता है ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी इसकी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी और इसकी शिफ्ट होगी यहाँ पर

लीनियर 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 है ये है भी होगा ये भी लीनियर होगा हो। लेकिन इनको टोटल करके देख लेना आइसो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉन तो कोई सही नहीं है फिर क्या करें आंसर तो एक देना है हालांकि क्वेश्चन गलत हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा था अब अपन एक तरीका लगा सकते हैं यहां पर आइसो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख ले हालांकि ये करना गलत है क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा था लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चरल एक भी नहीं है फिर भी अगर किसी ऑप्शन के साथ आपको जाना ही पड़े तो आइसो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढ लो आप और तो क्या करें तो यहां पर देखा जाए बेरिलियम सी एल सी एल लीनियर हो गया तो देखो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए टू टू फोर और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन तो खुद के तेरे एक ही है इसका, तो एट। तो इन दोनों का तो ये सीन आ गया यहां पे एक्स एप एक टू का देखे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट हो गया इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हो गया सेवन तो खुद के तेर इनके साथ कोवेलेंट बना लिया और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए आठ तो खुद के दो यहां से आ गई वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन गए दस क्लियर फिर नेक्स्ट बात करें यहां पर आ जाए तो एक्स ई एफ एफ ये सीन सेम हो गया दस आठ आठ अब आ जाए आयोडीन के पास तो आयोडीन के पास ये दस हो गए ना दस सॉरी दस ठीक है ये आ गया बी आर माइनस और ये आ गया बी आर तो देखो सात तो खुद के थे एक यहां से मिल गया इधर से दो आए हैं तो इसका दस हो गया इसका भी ऑक्टेट पूरा है इसका भी ऑक्टेट पूरा है तो ये कर देंगे फिर याद रखना ये करना गलत है पर एक आंसर के साथ जाना था तो अपन उसके साथ जा रहे हैं क्लियर नेक्स्ट द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 120 का बॉन्ड एंगल एस हाइब्रिडाइजेशन में आएगा एसपी हाइब्रिडाइजेशन इसका है रेगुलर ज्योमेट्री है

फोर्थ नेक्स्ट विच वन ऑफ एलिमेंट इज अनस्टेबल टू फॉर्म एम एफ थ्री वन तो याद रखो इसके पास वेकेंट डी है ही नहीं तो वैलेंसी एक्सपेंड कैसे करेगा ये नहीं बना सकता ठीक है फॉलोइ ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर तो यह सारे वैसे तो बेसिक है ये आ गया। तो मोस्ट एसिडिक नीचे जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो बेसिक करेक्टर बढ़ेंगे तो इनमें सब से सबसे कम बेसिक इसमें है। तो ये मान लो कि ज्यादा रखेगा नेक्स्ट मैग्नीशियम रिएक्ट विद एन एलिमेंट एक्स ये मैग्नीशियम एलिमेंट एक्स के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक्स का कॉन्फिग्रेशन दे रखा है तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है 5. कितने और चाहिए तीन तो तीन लेगा तो ये तो माइनस थ्री बनाएगा और ये दो निकाल के प्लस टू बनाता है तो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा एम जी थ्री एक्स टू तो आपका आंसर कौन फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल स्टेबल कौन सी स्पीसीज रही स्टेरिक रिपल्सन लगता है लार्ज साइज का क्लोराइड सिलिकॉन के वेकेंट डी के साथ स्ट्रॉन्गली इंट्रैक्ट नहीं कर पाता है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा नेक्स्ट विच ऑफ करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर तो बॉन्ड स्ट्रेंथ से इनवर्सली चलता है थर्मल स्टेबिलिटी तो नीचे जाने पर साइज बढ़ रही है ऑक्सीजन से ज्यादा साइज सल्फर सल्फर से ज्यादा सिलेनियम सिलेनियम से ज्यादा टेलोरियम टेलोरियम से ज्यादा पोलेनियम तो साइज बढ़ी तो बॉन्ड लेंथ लेंथ बॉन्ड बॉन्ड तो स्ट्रेंथ कम हो गई तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होगी तो यह आएगा सही सिक्वेंस थर्मल स्टेबिलिटी का नेक्स्ट करेक्ट सिक्वेंस ऑफ बॉन्ड एनथेलिपी ऑफ सी एक्स बॉन्ड एनथेलिपी का तो जिसका बॉन्ड जितना ज्यादा शॉर्ट होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखेगा तो बॉन्ड एनथेलिपी सबसे ज्यादा ई एन इसकी है फिर इसकी है कितनी थ्री इसकी है टू पॉइंट एट और इसकी टू पॉइंट फाइव तो बॉन्ड एनथेलिपी का सही सिक्वेंस आपका यही आ जाएगा याद रखना यहां बॉन्ड एनथेलिपी पूछा हुआ है अगर यही डायपोल मोमेंट का ऑर्डर होता ना तो ये वाला यहां पर आ जाता है क्यों डायपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड मैच करना है तो यहां से देखो एच एफ इलेक्ट्रॉन रिच है ऑक्टेट पूरा हो गया फिर भी ऑक्टेट किसके पास लोन पेयर होना चाहिए बस हाइड्राइड में तो ये लोन पेयर रख रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिच में माना जाएगा ये ये थर्ड से मैच हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड से डाइमर बना रहा है तो ये सेकेंड से मैच हो गया जी ये इलेक्ट्रॉन है पेरिसाइज़ माना जाएगा इसका ऑक्टेट पूरा है कोई लोन पेयर नहीं है तो ये आपका आ गया मैच हो गया फर्स्ट से फिर ये किसके साथ जाएगा अब इसके साथ चला जाएगा तो ये आपका कौन सा आ गया फोर्थ तो फोर्थ फर्स्ट सेकंड और थर्ड हालांकि याद रखना बेरिलियम मैग्नीशियम के हाइड्राइड कैसे माने जाते हैं आपके कोवेलेंट माने जाते हैं नेक्स्ट इवन एल्युमिनियम नेक्स्ट बात करें फ्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन देखो ऑक्सीडाइजिंग वो डिपेंड करती है क्लियर एक तो डिसोसिएशन एनर्जी, एनर्जी पे और एक पे तो ई ए तो फ्लोरीन की कम है तो ये तो फेवरेबल बन नहीं सकता हाइड्रेशन तो एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बन जाएगी

वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा अगर इसी स्टेटमेंट को माने इसको बेस बनाए तो इस हिसाब से तो फ्लोरिन से अच्छा कौन बन जाएगा फ्लोरीन बन जाएगा। फ्लोरिन हैज ए वेरी स्मॉल साइज हाँ फ्लोरिन स्मॉल साइज तो रखता है लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन में आपका कौन सा आ जाएगा ए एंड बी तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड तो ये था आपका केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट सेकंड